सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर और पेयर के बारे में देखा था। आज हम लोग क्यू के बारे में देखें। तो क्यू यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक क्यू ले लेते हैं और सारे डिक्लेरेशन फिर से करते हैं। यहाँ पे हमने कहा क्यू ऑफ इंटीजर टाइप, मान लेते हैं हम इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स का क्यू बना रहे हैं। अब जिस टाइप के एलिमेंट का क्यू चाहे वैसा बना सकते हैं। तो क्यू हमने कह दिया। क्यू में एलिमेंट हम पुश डालने के लिए पुश का यूज करते हैं। लेट से आपने वन इसमें इंसर्ट कर दिया, फिर आपने कई सारे इंसर्शंस किए, लेट से 2, 3, 4, 5, एंड देन उसके बाद आपने क्यू के फ्रंट एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहा, तो आप ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं क्यू डॉट फ्रंट। तो रन करके देखते हैं। तो देखिए फ्रंट में एलिमेंट आपका वन है। मान लीजिए कि आप क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा क्यू डॉट पॉप। क्यू डॉट पॉप करने के बाद जब आप फिर से फ्रंट को डिस्प्ले कराएंगे तो चेक करते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करेगा। तो पहले आपके पास एलिमेंट था वन, अब फ्रंट में एलिमेंट है टू। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला एलिमेंट जब डिलीट हो जाएगा फ्रंट से तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका टू रहेगा। एक हम और कर सकते हैं कि साइज प्रिंट करके देख लेते हैं कि पहले क्या साइज था और अब क्या साइज है। तो रन करके देखते हैं। तो पहले एलिमेंट हमारा था वन और साइज थी 5, फिर हमारा एलिमेंट हो गया टू और साइज हो गई 4। एक कैंडल यहाँ पे भी लगा लेते हैं, चेक कर सकते हैं आप फिर से। पहले एलिमेंट फ्रंट पे था वन और साइज थी 5, फिर एलिमेंट फ्रंट पे हो गया टू और साइज हो गई 4। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि क्यू को यूज करने के लिए हम क्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और एंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ टाइप प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का क्यू बनाते हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं वो सिंगल कोट्स में ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई। रन करके देखते हैं एलिमेंट्स को। तो पहले फ्रंट पे ए था, 5 साइज थी, जब डिलीट हमने कर दिया तो बी आया फ्रंट पे और साइज 4। आप चाहें तो स्ट्रिंग टाइप का क्यू बना सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। तो लेट से हमारा पहला स्ट्रिंग है ए बी, दूसरा स्ट्रिंग है सी डी, तीसरी स्ट्रिंग जो आप इंसर्ट कर रहे हैं लेट से वो है डी ई, चौथी स्ट्रिंग है ई एफ और नेक्स्ट स्ट्रिंग है लेट से जी एच। रन करके देखते हैं इसको। तो पहले ए बी स्ट्रिंग है फ्रंट पे, फिर जब आपने एक एलिमेंट डिलीट किया तो सी डी फ्रंट पे आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्यू देख लिया इस लेक्चर में। और आइए हम लोग स्टैक भी देखते हैं इसी लेक्चर में। तो स्टैक देखने के लिए हमने यहाँ पे यूज करना है स्टैक, इंक्लूड करा लेते हैं और फिर से सारी राइटिंग्स करते हैं। और हम यहाँ पे एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं, तो स्टैक ऑफ टाइप लेट से इंटीजर, लेट से एस इज द नेम ऑफ द स्टैक। एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करने के लिए पुश का यूज करेंगे हम। तो लेट से हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया वन, कुछ और भी इंसर्शंस कर लेते हैं। लेट से हमने इसमें इंसर्शन कर लिया 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। अब आप ये जानना चाहते हैं कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप प्रिंट कर लीजिए एस डॉट टॉप। तो वैसे कि टॉप पे 5 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, हमारे स्टैक के टॉप पे एलिमेंट 5 आ रहा है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एलिमेंट को तो आप पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पॉप करने के बाद जब आप फिर से टॉप को प्रिंट करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए। चेक करते हैं।
यस वाडा, 4 अगर किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर आप ये प्रिंट करना चाहें कि साइज क्या है हमारे स्टैक की, तो आप प्रिंट कर सकते हैं एस डॉट साइज। तो पहला एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो स्टैक की साइज होगी 4, इट इज डिस्प्लेइंग दैट ओनली। एक और फंक्शन यूज करते हैं इसमें एम्प्टीनेस चेक का। तो ये बूलियन वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो चूंकि हमारे एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टैक में हैं, तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, 0 साइज 0 हमारा रिटर्न। अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराने से पहले चेक किया होता कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो हमारा ट्रू आता, मतलब 1 आता। एक बार इसके बाद एंडल भी डाल देते। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनिशियली मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं, तो उसका मतलब इसने ट्रू रिटर्न किया। सॉरी, इनिशियली मेरा स्टैक एम्प्टी है, इसने ट्रू रिटर्न किया। बाद में 4 5 एलिमेंट इंसर्ट किया और एक रिमूव कर दिया, तो 4 बचे, तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा उस समय, इसलिए 0 रिटर्न होगा। आइए इसका हम यूज करते हैं स्टैक का। एक छोटा सा नंबर लेके हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 11 और 11 का आपको बाइनरी फाइंड करना है। तो जब आप 11 नंबर को मॉड्यूलस 2 लेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 1, रिमाइंडर आएगा, फिर आप 11 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका नंबर आएगा 5। तो आप इस 5 नंबर को पिक करके आगे चलिए, सो 5 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर 2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 का मॉड्यूलस लेते हैं 2 से, ये आएगा मेरा 0। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 1। फिर 1 को मॉड्यूलस लेते हैं 2 से, जो आंसर आएगा 1, और 1 को डिवाइड बाई 2 करते हैं, इससे आंसर आएगा 0। तो जितने भी रिमाइंडर वाले वैल्यूज हैं वो आपके काम के। मैं इस डिवीजन वाली वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ और मॉड्यूलस वाली वैल्यू को रिटेन करता हूँ। इसके बाद हमारा उल्टा प्रिंट कर देते हैं हम, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से 1 0 0 1 0 1 1, फिर से देखते हैं 1 0 1 1। तो आपको उल्टा प्रिंट कराने की जरूरत, इसका मतलब क्या है कि आपको जितने भी रिमाइंडर्स हैं उसको स्टैक में स्टोर कराना है। तो इसलिए हम एक मेथड बनाते हैं और इसमें सबसे पहले यूजर से इनपुट करा लेते हैं एक नंबर, लेट से एन को डिक्लेयर कर लेते हैं एन को यहाँ पे, और इसका रिपीटेड रिमाइंडर फाइंड करते रहेंगे जब तक कि नंबर 0 ना आए। तो हमने रिमाइंडर निकाला, लेट्स से इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 2। जो भी ये रिमाइंडर आया उसको हम स्टैक पे पुश कर लेते हैं। तो हमने पुश किया रिमाइंडर, फिर नंबर को रिड्यूस कर दिया डिवाइड बाई 2 करके। तो जब तक नंबर 0 नहीं होगा तब तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें पुश हो गए तो उसके, और नंबर हमारा 0 हो गया, तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो एस स्टैक है उसकी एम्प्टीनेस कंडीशन को चेक करते हैं, और जब तक ये नॉट एम्प्टी है तब तक हम यहाँ से एक एलिमेंट को पॉप करते हैं। तो लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू एस डॉट पॉप। तो ये याद रखिए कि जो एस डॉट टॉप पॉप है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि हमें टॉप एलिमेंट को लेना पड़ेगा एंड देन हमें डिलीट करना पड़ेगा पॉप का, और फिर इस एक्स को रिटर्न प्रिंट कर दीजिए। रन करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट करना है, तो 11 हमने टेस्ट किया था, 11 को देख लेते हैं। तो 11 का बाइनरी है 1 0 1 1। एक बड़े नंबर लेते हैं 1 2 3, मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है तो इसका ये बाइनरी है। एक और नंबर लेते हैं जो नोन नंबर हमारा हो, लेट्स से मेरा एक नंबर है 67।
तो 67 कंबाइन ये हमारा ये। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पुश और पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं तो डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये एसटीएल कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले टॉप एलिमेंट को पिक कर लेना है एंड देन डिलीट करना है अगर आप टॉप एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।